मम्मी मम्मी मुझे कुछ पैसे दो। अरे कुछ क्या, बहुत सारा पैसे ले लो। आखिर अंबानी अडानी से बड़ा हमारा परिवार है, हमारे पास पैसों का पेड़ जो है। जाओ लाओ और ले लो। क्या मम्मी, मजाक क्यों कर रही हो? मजाक तो तुमने बना रखा है, जब देखो तुम पैसे 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 मांगते रहते हो। हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता ही है। अभी पैसे किस लिए चाहिए? तो मुझे भी कोई शौक नहीं है भिखारियों से पैसे मांगने का, वो तो ट्यूशन की फीस जमा करनी थी इसीलिए मांग रहा हूँ। ट्यूशन की फीस? लेकिन वो तो पिछले ही हफ्ते दिया था ना। पिछले हफ्ते तो गणित के ट्यूशन का फीस दिया था ना, आज मैथ वाले टीचर को फीस देना है। मैथ वाले टीचर को है? पढ़ता लिखता तो तू है नहीं, फिर भी ये लो पैसे। टीचर का पैसा नहीं रखना चाहिए। पापा यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकालो फटाफट पैसे। पैसे निकालो? तुम्हारा नाना छोड़ गया था या तुम्हारा मामा? ना नाना ना मामा, आपके पास पैसे छोड़ गए हैं मेरे दादाजी, यानी आपके पिताजी। यह सब दादाजी ने अपने पोते के लिए ही तो छोड़ा था। चलो अब जल्दी निकालो पैसे। लेकिन किस बात के पैसे चाहिए? मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए। बाप गंवार, बेटा राजकुमार, यहाँ पैसे कमाने में मेरी कमर टूट जाती है और लाट साहब को आइसक्रीम खाने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, फिर जाकर मौसी को कह देता हूँ कि पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, फिर तो वो आपको कभी भी नहीं देगी। हैं? चंपा ने आइसक्रीम मंगाए हैं? यह तो पहले बोलना चाहिए था ना। ये लो पैसे। और हाँ, बड़ा वाला लेना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, वो मेरी चंपा को बहुत पसंद है। ठग पकाए खिचड़ी, ठग देख देख जाए, शाबाशी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी खाए। क्या क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। चल बबलू। वाह भाई लादू, आज तो तुमने अपने बाप को भी ठग लिया। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राजू ने ठगा नहीं। आगे आगे देखते जाओ, आज जो भी मिलेगा सबकी लूंगा। अरे वाह सर, क्या गजब के लग रहे हो, आपकी तो निकल पड़ी। ऐसा क्या हो गया जो मेरी निकल पड़ी? ओहो सर, इशक और मुशक छुपाए नहीं छुपते, हमें सब पता है। लाली मैडम आपके प्यार में गिर गई है। लाली मैडम तल के प्याल में गिर गई है या तल लाली मैडम के प्याल में गिरे हुए हैं? अरे सर तो पहले से ही बहुत गिरे हुए हैं। ये क्या बकरा है बे? अब मेरा मतलब था कि लाली मैडम के प्यार में गिरे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो आपको पता है लाली मैडम आजकल आपके बारे में बहुत बात करती है। सच में? और लाली मैडम मेरे बारे में बात करती है? अच्छा बता क्या क्या बात करती है? यही कि तल कितने भले दफल है। क्या लाली मैडम ने मुझे डफर कहा? इसके कहने का मतलब है कि आप लाली मैडम का प्यार नहीं समझ पाते हैं ना, इसीलिए उन्होंने आपको डफर कहा था। अच्छा, और लाली मैडम मुझसे प्यार करती है? मुझे तो लगा था कि मेरा प्यार एक तरफा है। हाँ सर, बहुत प्यार करती है, सनी लियोनी और मियां खलीफा से भी ज्यादा। हाँ आप उनकी तूत कभी नहीं लेते ना, इसलिए आज हम उनकी तूत लेने डाले हैं। अबे नालायक, अपनी मैडम के बारे में ऐसी बातें बोलता है, टीचर है वो तुम्हारी? अरे सर, यह सूट कह रहा है, सूट, सलवार सूट वाला सूट, वो नहीं जिसकी फिराक में आप लगे रहते हो। हाँ तल, तूत, हम लाली मैडम की तूत की बात कर रहे हैं, लाल लाल तूत की। लेकिन यार बबलू, हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, कहाँ से हम लेंगे लाली मैडम के लिए अच्छा सा सूट? अरे हमने तो सोचा था कि सूट लेके लाली मैडम को दे देंगे और बोलेंगे कि सर ने उनके लिए गिफ्ट भेजा है, फिर लाली मैडम का प्यार सर के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तुम लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो? देखो बच्चों, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये लो पैसे और लाली मैडम के लिए एक प्यारा सा सूट खरीद कर ले जाना, और अगर पैसे कम पड़े तो और ले लेना।
और हाँ, सूट को गिफ्ट पैक कराकर उसके ऊपर दिल वाला स्टिकर चिपका के विथ लव फ्रॉम गुप्ता सर लिख देना। बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। चल लादू जल्दी से मेडल की तूत लेने। हाय बबलू, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी 5 मिनट में गन्ने का जूस लेकर आता हूँ। अरे राजू तुम, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो और ऐसे रोने जैसी सूरत क्यों बना रखी है? अब क्या बताऊँ शीला, मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन हुआ क्या, यह तो बताओ, अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी तो मैं सीधे सीधे डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ। डॉक्टर के यहाँ से? लेकिन क्यों? शीला, किसी से बताना मत, आज मैं डॉक्टर से दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे दिल में छेद है। क्या, तुम्हारे दिल में छेद है? हाँ, लोगों के और कहीं कहीं छेद होते हैं, पता नहीं मेरे दिल में छेद कैसे हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आपको प्यार की सख्त जरूरत है। लेकिन अब तुम ही बताओ शीला, मुझसे प्यार कौन करेगा? हाँ, तुम तो ऐसे भी प्यार के लायक नहीं थे, इसीलिए सोचता हूँ अब जान ही दे दूँ। नहीं राजू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्यार के बिना तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है एक बार में ही जान दे देना, अब जीकर क्या करूँगा। कोई बात नहीं राजू, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, बहुत सारा प्यार दूंगी। सच में शीला? तो प्लीज एक बार गले लगा लो। ठीक है राजू, मेरे पास आओ। अबे गया था बोलकर 5 मिनट में गन्ने का दूध लाऊंगा और यहाँ खुद तंतले का दूध पीने लग गया। ए बबलू, ये क्या कह रहे हो? देखते नहीं राजू बीमार है? लाडू और बीमार, लेकिन इसे क्या हुआ, अभी अभी तो अट्ठा वाला तक को तूना लगा रहा था। ए बबलू, तुम्हें नहीं पता कि राजू के दिल में छेद है? अरे तुम कितके बातों पर भरोसा कर रही हो, इसके दिल में कोई छेद वेद नहीं है, यह तो तुम्हारी छेद लेने के फिलहाल में है। हाँ,